नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, आज मैं आप दिखाने जा रहा हूं कि चाइनीज बनियान या चाइनीज फाइकास जो होते हैं, इसकी कटिंग कैसे की जाती है। ये चाइनीज बनियान बहुत अच्छा पौधा है, घर में लोग उगाते हैं और इसका साइंटिफिक नाम है फाइकास माइक्रोकार्पा। ये चाइनीज बनियान बहुत अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है, घर में या बागान में आप लगा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा पौधा है, करीब 5-6 साल पुराना है, करीब 5-6 फुट ऊंचा है। और इसमें लोग सैकड़ों कटिंग, ये लोग जो नर्सरी वाले हैं, सैकड़ों कटिंग इसमें से ग्रो करते हैं। ये बरसात के मौसम में देखिए कैसे ये लोग गुटी कलम जो होता है एयर लेयरिंग करके रखे हैं यहाँ पर। और बरसात के टाइम एक पौधे से ये कम से कम 200-300-400 कटिंग्स ग्रो करते हैं। ये बप्पा ढाल है, गार्डनर है, यहाँ के द बेंगल नर्सरी के गार्डनर है। ये हमको आप दिखाएंगे कि कैसे इसकी एयर लेयरिंग कटिंग की जाती है फाइकास माइक्रोकार्पा की, जो चाइनीज बनियान होते हैं। चाइनीज बनियान बहुत अच्छा मटेरियल है बॉन्साई बनाने के लिए, तो उसका लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। और घर में अगर कोई चाइनीज बनियान का प्लांट है आपके पास, तो आप आराम से इस तरीके से आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ अब ये कैसे ये कटिंग ग्रो करते हैं। इसके लिए जो मटेरियल ये लेते हैं, इसका एक दो बनाते हैं, तीन हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, एक हिस्सा गार्डन सॉइल लेके अच्छी तरह से मथ के, जैसा आटा हम गूंथते हैं उस तरह से मथ के इसको ले लेते हैं और मिट्टी का गोला बनाते हैं इसमें। और उसमें यूज करते हैं कुछ प्लास्टिक का टुकड़ा 4 इंच का व्यास का, और इसमें कुछ सुतली रस्सी टाइप की, पतली सी छोटी सी रस्सी, उसको बांधने के लिए। और ये कैसे ये ग्रो करते हैं, कैसे ये कटिंग करते हैं, ये चलिए इसके हम डायरेक्ट देखते हैं पापा से। ये जो ट्विग है, ये जो टहनी है, करीब 1 फुट लंबी है और 5-6 मिलीमीटर इसका डायमीटर है टहनी का। तो ये पहले क्या करेंगे, पत्ते को हटा देंगे, जहाँ से ये कटिंग करेंगे ग्रो करेंगे तो वहाँ पर से दो इन्होंने चीरा लगाएंगे हल्का सा, सिर्फ जो छाल का पोर्शन है, त्वचा का पोर्शन है, उसमें वो लोग गोल चीरा लगाएंगे, 1 इंच की डिफरेंस में दो चीरा लगाएंगे। चीरा लगाने के बाद उसका जो छाल है, छाल को वो निकाल देंगे, सिर्फ इसमें कैम्बियम का पोर्शन रहने देंगे, जो सकत वाला कैम्बियम का पोर्शन है वो उसमें लगा देंगे, रहने देंगे। और बाद में जो छाल का पोर्शन है उसको वो हटा देंगे। छाल का पोर्शन हटाने के बाद उस जगह पर उन्होंने जो मिट्टी का जो गोला बनाया है, मिट्टी और कंपोस्ट मिला के, उसका वो उसमें लगा देंगे दोनों साइड करके, और प्लास्टिक से उसको अच्छी तरह से मोड़ देंगे। प्लास्टिक के मोड़ने के बाद, दोनों हिस्से में मोड़ने के बाद, वो जो स्ट्रिंग है या सूतली या रस्सी है, उसे आप ऊपर के नीचे पहले बांध देंगे, फिर नीचे की तरफ से अच्छी तरह से बांध दें, ताकि इसमें से एयर का या पानी का कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते या बाहर नहीं आ सके। उसको टाइट से बांध दें, और बांधने के बाद इसको हम 1 महीना इसी तरह से रहने देंगे। और ये काम आप करेंगे मानसून महीने में, बारिश के दिनों में करेंगे, तब ये कटिंग ग्रो करेगी बहुत आसानी से। दूसरे महीने भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन रूट्स ग्रो करने के लिए बारिश का महीना सबसे अच्छा होता है, जुलाई का अगस्त। और ये चाइनीज बनियान बहुत अच्छा बॉन्साई बन सकता है। ये बॉन्साई आप देख रहे हैं करीब 5 साल पुराना है, इसका कॉमन नेम ईपिंग फिग भी कहते हैं चाइनीज बनियान का, फाइकास माइक्रोकार्पा। इसमें देखिए आप कितनी सुंदर ये प्लांट्स है, पौधे के पत्ते कितने हार्डी हैं, और सारे देखिए रूट्स और स्टेम्स कितने अच्छी, ये प्रॉप रूट्स है और सैकड़ों प्रॉप रूट्स निकलते हैं, तो उसका एक अलग ही लुक होता है चाइनीज बनियान का। ये तो सफाई किया नहीं है, अच्छे तरह से सफाई करके अच्छी तरह लगा जाए तो बहुत अच्छा लगता है ये एज ए बोनसाई के तौर पर। तो दोस्तों, 1 महीना पहले जो कटिंग किए थे मैंने, उसके ऊपर दिखा रहा हूँ आपको 1 महीने के बाद कितनी रूट ग्रो। ये जो आपके क्रीमीस कलर का देख रहे हैं, घिया रंग का, ये सारे रूट्स हैं, सारे रूट से भर गया ये प्लास्टिक। अब हम इसको काट के उसको निकालेंगे इसमें से। तो ये जो बापा है, ये इसको नीचे से काट के इसका ले लिया, इसका कटिंग निकाल लिया है। अब निकालने के बाद इसका क्या करें, पहले जो सूतली है उसकी रस्सी उसको हटाएंगे, उसके बाद प्लास्टिक हटाएंगे। प्लास्टिक हटाने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें कितनी रूट्स ग्रो की है। चलिए ये पहले तो ये सूतली निकाल रहे हैं पहले, और अच्छी तरह से हल्के हाथों से हटाएंगे, नहीं तो रूट बॉल टूट नहीं जाए। और ये प्लास्टिक भी आप हटाएंगे तो बिल्कुल हल्के हाथों से हटाए। ये देखिए कितनी सारी रूट्स बड़े पड़े, एकदम पूरे क्रीम कलर की, एकदम हल्की पीले रंग की, और ये सैकड़ों रूट्स इसमें ग्रो कर गई है। बहुत अच्छा ये ग्रो करते हैं, बहुत आसान तरीका है, आप घर में आराम से कर सकते हैं। और ये जो कटिंग से हमने अभी अभी की है, अभी इसका हम पॉटिंग करेंगे। पॉटिंग करने के लिए ये करीब 5 इंच का पॉट में गमला ले रहा हूँ, मिट्टी का गमला, उसमें मैं जो पॉटिंग मिक्स यूज़ करूँगा 80% गार्डन सॉइल है, 20% कॉम्पोस्ट है। अगर आप चाहे सिर्फ गार्डन सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्पोस्ट मिक्स कर देंगे तो ये ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। अब इसको बिठाने के लिए जितनी मिट्टी नीचे देनी है गमले में दे देते हैं, उसके बाद चारों तरफ से मिट्टी देके अच्छी तरह से दबा देंगे, ताकि ये जो पौधा है ये स्टेबल हो जाए बिल्कुल।
तो इस तरह से हमने अंगुली से दबा के दोनों तरफ टहनी के चारों तरफ से अच्छी तरह से मिट्टी को दबा के ताकि पौधा स्टेबल हो जाए। और ये पौधा स्टेबल होने के बाद इसका हम पानी डाल देंगे, पानी डालने के 5-7 दिन हम सेट के अंदर रख देंगे, फिर आप धूप में बाहर कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। जब भी कोई नई पौधा लगाएं तो जरूर जरूर से आप इसमें पानी डाल दें। तो ये तो आप रखेंगे और करीब 5-7 दिन इसके सेड में रख देंगे, अंडर सेड, उसके बाद आप धूप में निकाल दें और ये अच्छी तरह से ग्रो करता रहेगा आपका। ये मैं दिखाता हूँ आपको, करीब 2 महीने पहले ये सारी कटिंग उन्होंने लगाई है, उसी पौधे से तोड़ के इन्होंने कटिंग करके ये लगाई है सारे एक एक पौधे। ये करीब 1 फुट लंबी कटिंग है एक एक ठो। और ये यहाँ पर मैंने इसका प्राइस पूछा तो उन्होंने बताया कि ये 15 रुपया पीस बेचते हैं, एक एक पीस 15 रुपये बेचते हैं। हालांकि बड़ी बड़ी नर्सरी में थोड़ा बड़ा होता है तो काफ़ी पैसे में बिकता है, लेकिन ये छोटा छोटा पौधा है, ये लोग जो दूसरे नर्सरी वाले ये इसे ग्रो करके खरीद के उसके बड़ा करते हैं। तो आप ऐसा पौधा अगर चाहते हैं तो आप इसके नर्सरी से, द बंगाल नर्सरी से खरीद सकते हैं। और भी बहुत तरह तरह के यहाँ पर पौधे हैं, लेकिन मैंने अभी आप सिर्फ ये जो चाइनीज बनियन का कटिंग दिखाया है सिर्फ। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चाहते हैं तो शेयर करना तो शेयर करना नहीं भूले, और सब्सक्राइब कर जरूर जरूर से कर ले ये चैनल में। और आपको इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल में आते रहिए, मैं आपको बहुत कुछ दिखा